माय चैनल न्यूज लाइव फैशन। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की वस्त्रों की कटिंग व सिलाई दोनों। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चनेरी का कपड़ा लिया है। ये कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई ली है 6 इंच। इसके घेर के लिए लिया है मैंने 15.5 इंच। यहाँ से भी 6 इंच। अब हम इस कपड़े को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये कपड़ा लिया है, इसमें से हम ठाकुर जी के वस्त्र की ऊपर की कोटी बनाएंगे। इस कपड़े की लंबाई ली है मैंने 5 इंच, चौड़ाई 4 इंच। अब इसको हम कट कर देंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल के वस्त्र की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई दिखाएंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम इसकी कोटी की सिलाई करेंगे। पहले इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए हमारी कोटी की पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको दोनों को कट कर देंगे। इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोबारा मशीन को देख करके दोबारा सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ऐसे ऐसे रख लेंगे और इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से को भी ऐसे रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कोटी तैयार हो चुकी है। अब हम अब हम इसके घेरे को तैयार करेंगे। इस तरह से ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घेर लड्डू गोपाल जी के घेरे पर सिलाई लग चुकी है। देखिए
हल्की सी लेस ली है इसके घेरे पे लगाने के लिए। इस लेस को हम इसके नीचे वाले हिस्से पे लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लेस लग चुकी है। अब लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों का लहंगा भी तैयार हो चुका है नीचे का। फ्रेंड्स, अब हम इसकी कोटी की चौड़ाई नापेंगे। देखिए, इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। अब इसी तरह से हम 4.5 इंच में इस कपड़े का, देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरह से हमें ऐसे प्लेटें डालनी हैं इस कपड़े में, जो कि हमें ये सारी प्लेटें 4.5 इंच में ही बुलानी हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसको नाप लेते हैं, ये 4.5 इंच का है या नहीं। देखिए, ये 4.5 इंच का ही है। अब हम इस पर कोटी जड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी कोटी। अब हम इसको इस पर जड़ेंगे। इसको इस तरह से रखना है, उल्टी साइड से ऐसे रख लेंगे। ऐसे ही इस पर बैक सिलाई लगा लेंगे एक और। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी के वस्त्र सिलकर तैयार हो चुके हैं। देखिए, देखिए आप, बहुत ही कम टाइम में कितने सुंदर वस्त्र तैयार हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर पर कोई ऐसे बचा हुआ कपड़ा पड़ा हो, कोई भी कपड़ा, उस पर हल्की फुल्की लेस लगाकर आप भी ऐसे वस्त्र तैयार कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।